हेलो गाइस, सो ये डे थ्री है हमारा, डे थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पैंगोंग। सो जाने से पहले मैं जिस होटल में मैं रुका हूँ मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ और क्या क्या हमने चार्ज दिया है, दो दिन का खाने का रहने का और सारी ओवरऑल इस होटल का कितना चार्ज है मैं आपको दिखा देता हूँ। पर होटल की कंडीशन दिखा देता हूँ कि होटल की कंडीशन कैसी है, रूम कैसे हैं, क्या क्या यहाँ से अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, ये एक बार मैं दिखाता हूँ। सो ये रूम है जहाँ पे हम 6 लोगों ने स्टे किया है। ये एक्स्ट्रा मैट्रेस, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि निकल रहे हैं हम। सो ये रूम है और जो हमारा दो दिन का खर्चा आया है ओवरऑल रहने का, खाने का, खाने पीने का, वो टोटल है 8,490 रुपये। यानी ईच पर्सन दो दिन का 1,500 रुपये हमें देना पड़ा है। रूम काफ़ी अच्छा है बाहर से, यहाँ से ये बालकनी वगैरह है, ये पूरा गार्डन एरिया। ये ले मार्केट से 500 मीटर की दूर डिस्टेंस पे है, 500 मीटर पीछे की साइड है ले मार्केट से, तो हमें सस्ता पड़ गया। तो ये एक रूम है, एक रूम ऊपर है लड़कियों का, तो मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा आपको कि वो रूम कैसा है। तो ये ओवरऑल ये है, ब्रेकफास्ट कैंटीन एरिया सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये इनका बाथरूम है, ये ओवरऑल ये हमारा रूम है जहाँ हमने स्टे किया है। हमने इसे पे किया है 1,500 रुपये ईच है, यानी 8,500 रुपये, खाना इंक्लूड, रहना, टी कॉफ़ी सारी चीज़, और गार्डन एरिया ये है यहाँ का। सो अभी तीनों दोस्त बुलेट और हिमालयन लेने गए हैं जिससे हम आज जाएंगे पैंगोंग कवर करने। पैंगोंग में हमारा स्टे है, तो इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा पैंगोंग में कहाँ स्टे कर सकते हो। ये हमारा रूम है, होटल है जहाँ हम रुके हैं। अब पैंगोंग में किस तरीके से जा सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा पर पर्सन, तो मैं इस ब्लॉग में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। सो डे थ्री स्टार्ट हो चुका है, गुड मॉर्निंग, चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन हिमालयन वगैरह जो भी आ रही है मैं उसे दिखाता हूँ किस तरीके से वो बाइकें हैं और उसमें आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो चलते हैं, बस आइए मेरे साथ। सो अब हम निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए, सारा लगेज रेडी है। सो जो हमने बाइक हायर करी है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी बाइक करी है। और ये एक हमने हिमालयन ली है, सेकेंड हमने लिया 500 क्लासिक, और ये थर्ड सागा सरगम, स्क्रैम स्क्रैम। तो ये तीन बाइक हमने लिए हैं। तो अभी यहाँ से प्लानिंग क्या है, सीधा नुब्रा जाएंगे। सो काफ़ी एक्साइटेड है सारे बंदे। सो चलते हैं, और ये भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो जहाँ पे भाई का स्टे है वहीं पे हमारा स्टे है। भाई आप कहाँ से हो? इंदौर, MP09, सिटी ऑफ इंडिया। भाई इंदौर से हैं, और ये भाई तो मिले हैं गुजरात मानस से। भाई ये लोग आ रहे हैं ट्रैवलर में और हम जा रहे हैं बाइक पे। सो मिलते हैं बीच में, दिखाता हूँ क्या रास्ता होने वाला है, क्या क्या चीज़ एक्सपेंस हम करने वाले हैं। सेल्फ जर्नी, सेफ जर्नी। सो चलते हैं नुब्रा में, दिखाते हैं क्या स्टे है, कौन सा कैंप हम ले रहे हैं, कितना खर्चा हम करने वाले हैं और क्या बजटेड ट्रिप होने वाला है। तो चलते, चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ, निकलते हैं अब हम। सो गाइस हो चुके हैं रेडी, और मैं लेके जा रहा हूँ हिमालयन, भाई लेके जा रहा बुलेट हिमालयन जो कि। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी नुब्रा वैली की, और चलिए। सो गाइस ये है वो दुकान, ये है वो शॉप जहाँ से हमने बाइक रेंट पे ली है। कारा मार्केट है ये जगह, और ये पीछे इनका शोरूम है जहाँ से आप बाइक ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में बाइक है भाई ने जो रेडी करके दिया है। हिमालयन, दो हिमालयन हमने यहाँ से लिया है। भाई के पास अभी बुलेट अवेलेबल नहीं थी, तो सुरजीत का मन था कि बुलेट बुलेट ही चलानी है, तो भाई ने बुलेट ही ली है। तो ये दूसरी शॉप से ली है। भाई कौन सी जगह है ये? भाई ये मिर्जा मोटर्स पे है, आप कभी आते हैं तो मिर्जा मोटर से आप ले सकते हैं। रेट रेट आपको यहीं आके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के यूनियन के रेट होते हैं, आपको जितना आप यहाँ से आके दोगे तभी आपको पता लगेगा रेट का। सो ये है शॉप, ये भाई जिनसे हमने बाइक लिया, भाई बहुत अच्छी बाइक है अभी तक, तो अभी चलाई है, आगे देखते हैं और कैसा सफ़र रहने वाला है। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी को। पेट्रोल डलवा लिया पूरा,
हमारा पेट्रोल भर चुका है और ये हमारे दोस्त जो कि पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो गाइस पेट्रोल भरवा लिया हमने, यहाँ से अब जा रहे हैं हम खारदुंगला पास और खारदुंगला पास के बाद आएगा पैंगोंग। तो देखते हैं क्या क्या जर्नी होने वाली है, किस तरीके का व्यू है, क्या रूट है और फर्स्ट टाइम है मेरा ऑलमोस्ट, सो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है और पहाड़ों पे फर्स्ट टाइम बुलेट चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ हिमालयन, सो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। सो अभी थोड़ी देर बाद क्या है, मैं पीछे बैठ जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे शॉट लेना है थोड़े, तो मैं सुरजीत भाई के पीछे बैठूंगा और भारत भाई हिमालयन चलाएंगे। तो चलिए हो गए फुल, हो गए तेरी टैंक, तो टैंक फुल करवा ले खारदुंगला पास, नीचे भी टैंक था लेकिन वहाँ भीड़ बहुत थी, तो हमने बीच ऊपर रास्ते में ही पड़ता है ये वाला सम, तो हमने यहाँ से फुल करवा लिया टैंक और चलिए चलते हैं आगे। एक बार टैंक फुल करवा ले तो पैंगोंग तक ही रुकता है, नीचे बताया किसी ने कि अगर आप पूरी टैंक करवा लोगे फुल तो पैंगोंग जाके रुकेगा, पैंगोंग में भी पेट्रोल पंप है तो वहाँ से भी हम पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमें कैरी करना पड़ रहा है, कैरी नहीं कर रहे हम, सेफर साइड के लिए एक एक लीटर हमने बैग में डाल लिया है, तो अगर बाय चांस कुछ होता है तो वो यूज़ कर लेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुका है खारदुंगला टॉप मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड और इन द वर्ल्ड, सो दिखा देते हैं कितनी हाईएस्ट पे है ये, कितनी हाइट है इसकी और ये सारे लड़के सो बताते हैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए बिकॉज यहाँ सांस ज्यादा फूलती है और दिखा देते हैं टॉप। सो ये जहाँ से हमने स्टार्ट की थी जर्नी ले होटल से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे था ये खारदुंगला टॉप और यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं पैंगोंग के लिए। खारदुंगला टॉप के लिए ऐसे चढ़ाई है और खारदुंगला टॉप के बाद ऐसे, सो चलते हैं अभी आगे की जर्नी दिखाते हैं, चलते हैं। और हाँ भाई क्या फील कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है?
योगी भाई, यार भाई बहुत ठंड है यार। हम सोच के आए थे कि ठंड नहीं होगी, बट बहुत ठंड है। तिरंगा लहरा दे अब यहाँ पे, लहरा दे यार तिरंगा। फाइनली ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स हो गया हमारा, ड्रीम्स अब हम सबका ड्रीम पूरा हो गया। अभी और भी आ गई, लद्दाख आ गई हो गया भाई। उफ, यहाँ सांस फूल रहा है। थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, फोटो क्लिक कर लेता है एक आधी जो इंस्टा पे अपलोड करनी है, रील बना लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं पेंगोंग नुब्रा। निकल रहे हैं यहाँ से खारदुंगला से, और हमने आप कम से कम 20 से 25 मिनट रुके हैं और निकल रहे हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ब्रीज में, बट ऑल दो फोटो रील वील सब बनानी थी, चलते हैं स्टार्ट करते हैं दोबारा से जर्नी खारदुंगला टू नुब्रा। चलो गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। और एक्चुअली मैं एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के अंदर, उनमें बताया गया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए खारदुंगला पे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। मैं ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट रुका हूँ, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई है, बट इतना ज़्यादा ब्रीथिंग इशू नहीं हुआ। अगर आपको होता है तो 10 मिनट रुकिए, अदरवाइज आपको फोटो वोटो, क्योंकि आज रश बहुत था तो हम 10 मिनट से ज़्यादा रुक गए, लेकिन हमें और कुछ हुआ नहीं बाय गॉड ग्रेस। अब हम जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ और देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। टाइम हो रहा है 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कितने बजे तक पहुंचेंगे, फन करते हुए कितनी वीडियो बनाएंगे, कितनी फोटो क्लिक करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, उस हिसाब से हम पहुंचेंगे। तो आप कभी आओ। सो जैसा बताया जाता है कि 10 मिनट ऑल दो रुकिए, अगर 10 मिनट से ज़्यादा रुकना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं रही, फोटो वोटो क्लिक करनी है, रील बनानी है, तो आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ का वे दिखा देता हूँ मैं, रास्ता कैसा है। यार ये बंदे साहब, सो ये फर्स्ट टाइम है जब हमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला रोड मिला है, जहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके का रोड नहीं है, बट ऑल्दो काफी अच्छा रोड बना हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मैं बाइक से एक्सप्लोर करूँ ले लद्दाख, सो आप ले लद्दाख एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीज़न भी क्या है, मैं भी पहले सोच डरता था कि यार नहीं यार ले बुलेट से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर बाइक से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वे बहुत अच्छे बना रखे हैं, रास्ता बहुत अच्छा है। सो आप कभी आए तो आप ज़रूर बाइक या बुलेट से ही ट्रैवल करें। रीज़न भी यहाँ की वैली जो है, ये वादियाँ, जो मज़ा बाइक पर है वो मज़ा नहीं है। वो कहते हैं ना लेह में, लद्दाख में अगर आपने बाइक से ट्रैवल नहीं किया तो आपने अपने ड्रीम पूरे ही नहीं किए। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं लेह लद्दाख बाइक से एक्सप्लोर करूं। सो फाइनली हो रहा है ये कवर। ये यहाँ कुछ ट्रेजेडी होगी, पहाड़ टूट गया, सो रुकना पड़ रहा है हमें।
गाइस नुब्रा वैली पहुंचने से पहले ही एक थोड़ा सा पहाड़ में इशू हो गया, खड़े हुए हैं तो देखते हैं कितना बजे तक पहुंचेंगे। हेलो गाइस, सो पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली। टाइम हो रहा है 10:21, तो काफ़ी लेट हो गए। एक्चुअली रीज़न ये था, जैसे आपने ब्लॉक के अंदर देखा माउंटेन वर्क चल रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसके कारण हमें वहाँ 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। बट कोई नहीं, ये होता रहता है माउंटेन की, ये चीज़ें हैं कि यहाँ चलता रहता है ये सारी चीज़ें। सो अभी हम मतलब मैं अगर वो नहीं होता तो हम 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाते, बट ड्यू टू दैट हम पहुँचे हैं 9:30 बजे के करीब। तो हमने यहाँ सोचा होटल देखते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार होटल नहीं देखते, होम स्टे देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा था होम स्टे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमने होम स्टे देखा, तो ये हमें ये रूम लिया हमने, तो यहाँ होम स्टे आई है रूम। ये योगी तो दुरुस्त हो रखा है बिल्कुल, योगी थक गया योगी, तो पूरे रास्ते बाइक चला के आया बुलेट, सो इसलिए थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है। मेरी भी पूरी हालत कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। अभी जो दो दोस्त हैं वो खाना लेने गए हुए हैं, बाकी दूसरा रूम हमारा साइड वाला, मैं अभी दिखा देता हूँ। सो ये हमने होम स्टे लिया है 1500 रुपये एक रूम, यानी 500 रुपये पर पर्सन हमें ये पड़ा है रूम। रूम की कंडीशन मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रूम की कंडीशन क्या है। और कल हमारा प्लान ये है, हम रात को सैंड ड्यून्स नहीं देख पाए, मैं कल जा रहा हूँ वहाँ देखने, और यहाँ मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री देखनी है। कल प्लान ये है पूरा, और उसके बाद हम जा रहे हैं तुरतुक। तो मैं कल दिखाने वाला हूँ आपको, मतलब मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्या क्या। और बाहर जो इसका गार्डन एरिया है, यहाँ पे दो फ्रूट्स काफ़ी पाए जाते हैं, एक पहला एप्रिकॉट, दूसरा यहाँ एप्पल, लेके एप्पल जो बाहर है। मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है, पेड़ों के पास जाना अभी सेफ नहीं है। सेफ क्या मतलब, हमारी मान्यता है कि रात को पेड़ वगैरह के पास नहीं छूना होना चाहिए, तो इसलिए अंधेरा भी हो रहा है। सो ये हमारा प्लान है। बाकी मैं दूसरा रूम अभी दिखाता हूँ, यहाँ के वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। ये नहीं है कि 1500 रुपये आपका कम है, मतलब ज़्यादा है, नॉर्मल रूम है 1500 रुपये में। ये पूरा पीछे मैं कैमरे के उस पार लेके जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको किस तरीके का रूम है, क्या कंडीशन है। सो गाइज, ये रूम है यहाँ का जहाँ हमने स्टे किया है, 1500 रुपये में हमें ये रूम पड़ा है। मतलब नुब्रा वैली के मेन मार्केट में ही ये है। थोड़ा सा हमने सर्च किया, पहले हमने सोचा होटल लेते हैं, प्री प्लान हमारा कुछ नहीं था, हमने सोचा यहीं आके सारी चीज़ करेंगे। और मेरा पहले से ही मन था कि होम स्टे लेंगे, बिकॉज होम स्टे में क्या होता है, लोगों का नेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ होटल में क्या होता थोड़ा ये है होटल वाली फील आती, तो होटल वाली फील मुझे लेनी नहीं थी। सो मेरा मन था कि होम स्टे लेंगे। और ये योगी पूरा थका हुआ है, योगी क्या था फील बुलेट चला के भाई? बहुत सही यार, थकान रखे भाई, तो लद्दाख तो बुलेट से ही होता है ना भाई। तू तो ब्लॉग बना रहा था, यहाँ तो ऐसे ही रुकी थी। सो ये पूरा रूम है, रूम कैसा लगा वो देख ना, कितनी अच्छी सीलिंग्स कर रखी है, वुडन सीलिंग। हाँ, सो ये रूम है 1500 रुपये का। मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम कैसा है। मेनली थोड़ा यही होता है कि रूम वगैरह, ये वॉशरूम है, सो ये फर्स्ट रूम ये है हमारा, एंड सेकंड रूम इसी के साइड में हमारा, ये बाहर का गार्डन एरिया। मैं अभी तो अंधेरा हो रखा है, और ये सेकंड रूम, ये हमारा लगेज रखा हुआ है सारा का सारा। ये तो थक गई सोगी। सो अभी देख लेते हैं खाना ऑर्डर क्या है, खाना लेने गए हैं सुरजीत और भरत। सो जैसे ही खाना आता है खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कल सुबह चलते हैं सैंड ड्यून, देन उसके बाद मोनेस्ट्री, देन तुरतुक विलेज। तो तुरतुक विलेज में हमारा प्लान ये रहेगा कि तुरतुक विलेज को हम देखेंगे, मतलब वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद गेट बैक टू दिस प्लेस, एंड यहाँ से फिर हम जाएंगे पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक देखने के बाद हम जाएंगे फिर डायरेक्ट बैक टू ले, ले से हम देखेंगे कि क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से घर जाएंगे। तो सारी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। सो पहली चीज़ मैं बता दूँ जो मेरे माइंड में था कि यार मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, माइंड में बहुत डर था, दिल में बहुत डर था, लेकिन फाइनली ड्रीम्स कम्स ट्रू। चलते हैं फिर कल, रेडी मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, सी यू। We are the lucky.